स्वागत भाषण निवेद्यन्ते कुलपति महोदय अस्वसरे कृपया संप्राप्ताः कार्यक्रमस्यास्य अध्यक्षाः आचार्याः कपिल महोदयः अस्माकं प्रार्थनाम् अंगीकृत्य समागताः नैक विद्यालयेषु कुलपतितराः नैक विद्यालये महाविश्वविद्यालयानां कुलपतितराः आचार्याः बी वेंपटि कुटुंबशास्त्री महोदयः अस्माकं निवेदनम् अंगीकृत्य मुख्य वक्तृत्वेन अत्र संप्राप्ताः अस्माकं गुरुचरणाः विश्रुताः दर्शन साहित्य व्याकरणादि शास्त्राणां प्रवक्तारः आचार्याः प्रोफेसर कमलेशदत्त त्रिपाठी महाभागाः अस्माकं संकाय प्रमुखाः आचार्यकुलस्य सदस्याः विभिन्नानां विभागानां विभागाध्यक्षाः छात्राश्च महदिदं प्रमोदस्थानं यत् अद्य वयं संस्कृतसप्ताहस्य प्रथमे दिने उद्घाटनं कृतं भावलङ्कर हाल् मध्ये तत्तु सम्यक् जातम् अयं वस्तुतः द्वितीयं दिनम् अस्ति अद्य वयं विद्यापीठस्य प्रथमे कार्यक्रमे श्री लाल बहादुर शास्त्री स्मारक व्याख्यान मालायां वयं सर्वे अत्र सम्मिलिताः नास्ति अवसरः बहु वक्तव्यस्य संक्षेपेण समागतानां सर्वेषां विदुषाम् आचार्याणाम् अथ च अस्माकं विद्यापीठीय आचार्यकुलसदस्यानां छात्राणाम् अहम् अत्र स्वागतं करोमि एकतन्त्रेण स्वागतं करोमि एतच्च लघु वृत्तचित्रं भवतां समक्षं प्रदर्शितं तत् वृत्तचित्रं वस्तुतः एकस्मिन् एव दिने निर्मितम् यदा नायकसमितेः समीक्षासमितेः अत्र आगमनम् आसीत् तेषां परिदर्शनाय एतत् लघुवृत्तचित्रं निर्मितम् आसीत् एतत्तु किञ्चित् दिग्दर्शकम् अस्ति विद्यापीठस्य अत्र बहु कार्याणि विद्यापीठस्य सन्ति तेषां तत्र समावेशः नास्ति शनैः शनैः क्रमशः अस्य संवर्धनं संशोधनं परिवर्धनं भविष्यति एतत् वृत्तम् अस्माकं वेब्सैट् मध्ये वर्तते ये छात्राः अध्यापकाः वा द्रष्टुम् अर्हिष्यन्ति ते तत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति एकमपरम् अपि वक्तव्यमस्ति यावन्ति भवन्तः श्रीलालबहादुरशास्त्रीस्मारकव्याख्यानमाला भवति यत् तत् लोकप्रियं व्याख्यानमाला भवति पापुलर् लेक्चर् सीरीज् लोकप्रिय इति कथनेन किं तात्पर्यम् आगच्छति वस्तुतः ये जो व्याख्यानमाला है यह व्याख्यानमाला लोकप्रिय व्याख्यानमाला के अंतर्गत होती है जिसमें भारतीय संस्कृति से संबंधित कुछ विषय लेकर के संस्कृत हिंदी माध्यम से यह व्याख्यान कराया जाता है और यह प्रयास किया जाता है कि जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं जो विद्यापीठ के छात्र नहीं हैं समाज से आने वाले लोग हैं वो भी लाल बहादुर शास्त्री जी के आदर्शों के अनुरूप भारतीय संस्कृति को पहचान सकें इसलिए इस व्याख्यान का आयोजन प्रायः हिंदी माध्यम में होता है हिंदी भाषा के माध्यम से होता है और आज का जो व्याख्यान है संस्कृत के अत्यंत प्रतिष्ठित विद्वान जिन्होंने न केवल हिंदू विश्वविद्यालय में प्राय 40 वर्ष तक भारतीय
दर्शन, धर्मागम, भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र का अध्यापन किया, अपितु देश विदेश में 500 से ज्यादा अधिक व्याख्यान दिया। कालिदास अकेडमी में आप कालिदास अकेडमी के निदेशक होकर के कालिदास को केंद्र बिंदु में रख करके समस्त भारतीय नाट्य परंपराओं को आपने वहां पर बुलाकर उसका प्रयोग कराया, उस पर शोध कराया, नाट्य शास्त्र का विधिवत संपादन किया। जितने भी देश और विदेश में उपलब्ध काव्य ग्रंथ थे उनका सबका संकलन करके और आज भी राष्ट्रीय इंदिरा गांधी कला केंद्र के विशेष परामर्शक के रूप में निरंतर क्रियाशील है, कार्य कर रहे हैं, कई ग्रंथों का संपादन कर रहे हैं। ऐसे आचार्य प्रोफेसर कमलेश त्रिपाठी जी, जिनके चरण में रहकर के मैंने स्वयं ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश और नाट्य शास्त्र का अध्ययन करने का अवसर, मनुस्मृतियों के अनुशीलन का अवसर प्राप्त किया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। आज हम लोगों के सौभाग्य से वस्तुतः मैं जो कुछ कर पाता हूँ या जो कुछ कर पाता हूँ उसका मूल श्रेय गुरु जी को है। बहुत प्रारंभ से कई बार संस्कृत नाटकों में मंचन का अवसर, अभिनय करने का अवसर आया जिसमें आप निर्देशक रहे। आज अवसर है, मैं कृतज्ञता पूर्ण यह जो स्वागतांजलि है आपको प्रस्तुत करता हूँ और एक तंत्र में सबका पुनः हार्दिक स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि संयोजक श्री सुमन कुमार झा आगे कार्यक्रम को बढ़ाए। जी धन्यवाद। आचार्य कुलपति महोदया यहाँ महापुरुषाण नाम विद्यापीठमद संस्थापित सद्य स्मृति।